गुड मॉर्निंग टेंथ क्लास। तो आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन। देखिए, ओरिजिन जो है, सबसे पहले काफ़ी सारे सवाल उठते हैं कि लाइफ का जो ओरिजिन है वो कैसे हुआ, जिंदगी जो है, लाइफ जो है, वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, पहली लाइफ कहाँ से ओरिजिनेट हुई थी। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ लाइफ को लेके जो है वो काफ़ी सारे जो साइंटिस्ट थे, काफ़ी सारी थ्योरीज उन्होंने दी, सब ने अपने अपने अकॉर्डिंग थ्योरी दी। किसी साइंटिस्ट ने, किसी इकोलॉजिस्ट ने कोई थ्योरी दी कि लाइफ जो है वो इस तरीके से स्टार्ट हुई है। ठीक है, बट कुछ एक थ्योरीज को जो है वो हाईलाइट किया गया है, क्योंकि उनसे जो है, उनकी जो उन्होंने थ्योरीज दी हैं वो कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करती हैं कि जो लाइफ है, इट मे पॉसिबल कि लाइफ जो है वो इस तरीके से ओरिजिनेट हुई हो। ठीक है, तो अब हम कुछ एक थ्योरीज को स्टडी करते हैं, देखते हैं कि किस साइंटिस्ट ने क्या थ्योरी दी है। ठीक है, और उन्होंने कौन से ऐसे स्पेशल पॉइंट्स रखे हैं कि वो उनकी थ्योरी को जो है वो प्रूव करते हैं। चलिए, सबसे पहले देखिए थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, टॉप हेडिंग आती है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, अब ये जो थ्योरी है ये किसने प्रपोज की, प्रपोज्ड बाय, राइट, हु प्रपोज्ड दिस एंड व्हाट आर द स्पेशल पॉइंट्स। स्पेशल पॉइंट्स रिलेटेड टू थ्योरी, सबसे पहली थ्योरी देखिए, जो सबसे पहली थ्योरी जो आती है वो आती है स्पॉन्टेनियस जनरेशन, या हम उसको बायोजेनेसिस थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन और एबायोजेनेसिस या अबायोजेनेसिस थ्योरी। ठीक है, ये जो थ्योरी है, दिस थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय एरिस्टोटल कौन से ईयर में, 384 BC। ठीक है, इस ईयर में जो है उन्होंने ये थ्योरी प्रपोज की थी, और इस थ्योरी के अंदर उन्होंने क्या पॉइंट्स दिए, की जो थ्योरी है, ये जो उनके अकॉर्डिंग लाइफ जो है वो इवोल्यूशन कैसे हुआ, लाइफ का इवोल्यूशन कैसे हुआ। ठीक है, देखिए एरिस्टोटल कहते हैं कि जो लाइफ है वो लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से, दोनों से ही आई है। ठीक है, और कुछ जो है वो ऑर्गेनिक मैटर से, मतलब लाइफ कम्स फ्रॉम लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग एंड ऑल्सो द ऑर्गेनिक मैटर स्पॉन्टेनियसली। ठीक है, अब उनकी उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जो माइस है वो बनता है ह्यूमन स्वेट से। ठीक है, ह्यूमंस का जो पसीना होता है उससे माइस बना है, और जो फ्रॉग बना है वो बना है कीचड़ से, मड से। ठीक है, ये उन्होंने पॉइंट्स रखे कि लाइफ कम्स फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स as well as non-living or the organic matter spontaneously। ठीक है, कि जो माइस बनी है, माइस is formed from human sweat, ह्यूमन स्वेट। ठीक है, और जो फ्रॉग बनता है, फ्रॉग फॉर्म्ड फ्रॉम मड एक्सेट्रा। अपनी थ्योरी में उन्होंने कुछ इस तरीके के पॉइंट्स दिए। देखिए, क्योंकि इन्होंने क्या कहा था, लिविंग से ह्यूमन स्वेट
ह्यूमन लिविंग है उसकी से माइस बना, और जो है नॉन लिविंग या ऑर्गेनिक मैटर मतलब जो मड है जो कीचड़ है उससे क्या बना, फ्रॉग बना। ठीक है, तो ये पॉइंट्स जो हैं उन्होंने अपनी थ्योरी में दिए। सेकंड थ्योरी जो आती है वो आती है स्पेशल क्रिएशन। ये जो थ्योरी प्रपोज की है वो थ्योरी की है फादर सॉरेज। ठीक है, 1600 के अंदर इन्होंने क्या किया है स्पेशल क्रिएशन में, उन्होंने सिर्फ मतलब उन्होंने किसको, उन्होंने ऑल माइटी गॉड को जो है वो रिस्पॉन्सिबल ठहराया है कि जो लाइफ है वो भगवान ने बनाई है। ठीक है, लाइफ इज क्रिएटेड बाय गॉड। ठीक है, लाइफ जो है वो गॉड ने बनाई है। थर्ड जो थ्योरी आती है, थर्ड जो थ्योरी है वो है कैटस्ट्रोफिज्म। ठीक है, ये थ्योरी प्रपोज की है क्यूवियर ने 1800 के अंदर। ठीक है, इन्होंने क्या सजेस्ट किया है कि जो थ्योरी सॉरी जो लाइफ है, लाइफ जो है वो कॉन्टिन्यूसली क्रिएटेड होती है और डिस्ट्रॉय होती है और फिर से रिक्रिएटेड होती है डिफरेंट फॉर्म्स में। ठीक है, अब जैसे हम कहें कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है जब वो बर्थ लेता है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, डाई हो जाता है और फिर जो है वो फिर से कोई दूसरी फॉर्म में जो है वो जन्म लेता है। ठीक है, सो लाइफ इज कॉन्टिन्यूसली क्रिएटेड, वो कॉन्टिन्यूसली क्रिएट होती है, डिस्ट्रॉय होती है और फिर से रिक्रिएटेड होती है किसी दूसरे फॉर्म में। लाइफ इज कॉन्टिन्यूसली क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड एंड रिक्रिएटेड डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है, जो फोर्थ हमारी जो थ्योरी आती है वो आती है कॉस्मोजोइक। दिस थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय रिक्टर। ठीक है, अब रिक्टर के अकॉर्डिंग क्या था कि जो लाइफ है वो अर्थ पे पहुंचती है कॉस्मिक डस्ट से, जो है वो लाइफ अर्थ पे पहुंची और दैट इज फ्रॉम दी अदर प्लैनेट। ठीक है, किसी दूसरे प्लैनेट से लाइफ जो है अर्थ पे पहुंची बाय कॉस्मिक डस्ट। लाइफ रीच्ड ऑन अर्थ बाय कॉस्मिक डस्ट फ्रॉम अदर प्लैनेट फ्रॉम अदर प्लैनेट। ठीक है, और जो फिफ्थ जो थ्योरी है वो है पेनास्पर्मिया। ठीक है, ये जो थ्योरी है दिस वॉज प्रपोज्ड बाय अर्हेनियस। ठीक है, अर्हेनियस के अकॉर्डिंग क्या थ्योरी उन्होंने दी है कि जो लाइफ है वो अर्थ पे ट्रांसफर हुई किसी स्पर्म से। ठीक है, अब रिक्टर ने क्या कहा, किसी और प्लैनेट से लाइफ आई है अर्थ पे कॉस्मिक डस्ट के द्वारा। ठीक है, बट अर्हेनियस ने क्या कहा है कि लाइफ जो है रीच नहीं हुई, वो ट्रांसफर करी गई है स्पोर्स के अंदर। लाइफ जो है वो अर्थ पे ट्रांसफर करी गई है किसी और प्लैनेट के द्वारा। लाइफ इज ट्रांसफर्ड ऑन अर्थ इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स फ्रॉम
अदर प्लैनेट. क्लियर? ठीक है, तो ये कुछ एक थ्योरीज हैं, ठीक है, जो ये शो करती हैं कि जो लाइफ है, लाइफ का ओरिजिनल कैसे हुआ और उनके स्पेशल पॉइंट्स क्या हैं. क्लियर? तो अब हम स्टडी करेंगे मॉडर्न थ्योरी, क्या एबायोटिक थ्योरी और दी केमिकल इवोल्यूशन. ठीक है, जो है हम इसको स्टडी करते हैं. ये थ्योरी क्या स्टेट करती है कि जो लाइफ है इट इज़ ओरिजिनेटेड अपॉन अर्थ बाई लॉन्ग सीरीज ऑफ फिजियोकेमिकल चेंजेस. ठीक है, जो अर्थ बहुत पहले जो आई है, ठीक है, वो कुछ फिजियोकेमिकल चेंजेस के द्वारा इस जो यू नो काफ़ी लॉन्ग सीरीज में, मतलब फिजियोकेमिकल चेंजेस की काफ़ी लंबी सीरीज हुई है, काफ़ी लंबे टाइम तक वो सीरीज अकर हुई है और वो एक ग्रेजुअल इवोल्यूशन लाई है, फर्स्ट इनऑर्गेनिक फॉर्म में, ठीक है, और उसके बाद जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या केमिकल इवोल्यूशन हुआ है. ठीक है, और इसी चीज़ों से फॉर्मेशन हुआ है प्रोटोप्लाज्म का, राइट. सो दिस थ्योरी स्टेट्स दैट लाइफ ओरिजिनेटेड upon earth by a long series of physiochemical changes. ठीक है, physiochemical काफ़ी लंबी physiochemical changes के द्वारा जो है वो life earth पे originate हुई है. ठीक है, which brought about, जो कि जिसने एक gradual evolution करा है first inorganic form में, which brought about a gradual evolution of first inorganic, then और उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इवोल्यूशन. ठीक है, या जो केमिकल इवोल्यूशन हुआ है. ठीक है, केमिकल इवोल्यूशन. ठीक है, एंड ऑल दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म. रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म. ठीक है, देखिए ये जो थ्योरी है मॉडर्न थ्योरी, एबायोटिक थ्योरी और द केमिकल इवोल्यूशन, दिस अगर हम कहें वाज प्रपोज्ड और गिवन बाय एआई ओपेरिन. ठीक है, 1923 में जो है एआई ओपेरिन ने जो है इस थ्योरी को दिया था. ठीक है, एंड जी वी एस हॉल्डेन. ठीक है, 1928 में. ठीक है, एक बुक आई थी ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है एआई ओपेरिन ने, ही रोट अ बुक, उन्होंने एक बुक लिखी थी 19th, ये बुक आई थी, मैं आपको बताती हूँ, इज द ओरिजिन ऑफ लाइफ. ठीक है, एआई ओपेरिन ने एक बुक लिखी थी ओरिजिन ऑफ लाइफ. ठीक है, इन 1936 में. ठीक है, ये जो बुक थी इट वॉज पब्लिश्ड बाय एआई ओपेरिन. ठीक है, देखिए जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था वो केमिकली रिड्यूसिंग था, मतलब उसके अंदर जो था वो फ्री ऑक्सीजन नहीं थी, सब कुछ जो था वो कंबाइंड फॉर्म में था, सभी कुछ जो मैटर जो गैसेस जो था वो कोई सिंगल नहीं था, इट वाज नॉट फ्री ऑक्सीजन बट वो जो था वो कंबाइंड फॉर्म में था. ठीक है, जो क्या कंसिस्ट करती थी, जिसके अंदर मिथेन, ठीक है, मिथेन, एमोनिया, वाटर वेपर,
हाइड्रोजन गैस एंड नाइट्रोजन गैस। ठीक है, अगर हम बात करें प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर की, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर, ठीक है, तो प्रिमिटिव जो एटमॉस्फेयर था उसके अंदर क्या था, इट वॉज केमिकली रिड्यूसिंग। ठीक है, केमिकली रिड्यूसिंग का क्या मतलब, विदाउट फ्री ऑक्सीजन। ठीक है, वो क्या कंसिस्ट कर रहा था मेनली मीथेन, ठीक है, CH4, एमोनिया NH3, वाटर वेपर, ठीक है, हाइड्रोजन गैस जो H2 है, एंड नाइट्रोजन गैस। ठीक है, सो जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर है, ऑल दीज दे आर दी केमिकल रिड्यूसिंग, और ये जो है इट कंटेन्स मिथेन, एमोनिया, वाटर वेपर, हाइड्रोजन गैस एंड नाइट्रोजन गैस। ठीक है, देखिए लाइफ को जो ये थ्योरी है ये बिलीव करते कि जो लाइफ है वो ऑरिजिनेट हुई थी पानी के अंदर। ठीक है, लाइफ वॉज ऑरिजिनेटेड इन वाटर, ठीक है, पानी के अंदर हुई थी, और जो सोर्स ऑफ एनर्जी था वो था सोलर रेडिएशन। जो एनर्जी का सोर्स जो था उस टाइम पे क्या था, वो सोलर रेडिएशन था, लाइटनिंग थी जो बिजली कड़ाती है, और कुछ हॉट जो हॉट वॉल्केनिक ऐश होती है। ठीक है, मतलब उस टाइम पे जो है वो वॉल्केनोस भी बहुत इरप्ट हुए हैं। जो लाइट ऑफ जो एनर्जी सोर्स था वो थी सोलर रेडिएशन, लाइटनिंग एंड दी हॉट वॉल्केनिक ऐश। ठीक है, जो कि जिन्होंने क्या करा, गैसेस के साथ रिएक्ट किया और फॉर्म करे ऑर्गेनिक मोनोमर्स। ठीक है, उन्होंने क्या फॉर्म करा, उन्होंने ऑर्गेनिक मोनोमर्स को फॉर्म करा। अब देखिए, अगर हम सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो वो है हाइड्रोकार्बन्स, जैसे मीथेन है, इथाइलिन है, एसिटाइलिन है। ठीक है, और जो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक्यूमुलेट हुए थे ओशियन में, ठीक है, एज अ वॉर्म डाइल्यूट सूप। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर तब क्या था, जो देखिए जितना भी जो मिक्सचर था वो धीरे धीरे क्या हो, वाटर में सेटल हो गया। ठीक है, तो उसका सेटलमेंट होना, जो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक्यूमुलेट होना ओशियन के अंदर, उन्होंने उसको टर्म दिया डाइल्यूट सूप। ठीक है, अब सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म हो गए, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जैसे एमिनो एसिड है, फैटी एसिड है, शुगर्स हैं, दैट वॉज फॉर्म्ड, वो किससे बने, ऑक्सीडो रिडक्शन रिएक्शन से। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स, जब सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन के बाद जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बने, ठीक है, वो किससे बने, वो बने ऑक्सीडो रिडक्शन जो रिएक्शंस थी, ठीक है, उनसे बने, जैसे शुगर है, ठीक है, फैटी एसिड्स हैं, और वो बने कंडेंसेशन से और बनी पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस, राइट। ठीक है, बने ऑक्सीडो रिडक्शन रिएक्शंस, कंडेंसेशन एंड देन पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस। ठीक है, इस तरीके से जो इन प्रोसेस के द्वारा जो है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स फॉर्म हुए आफ्टर सिंपल कंपाउंड्स। ठीक है, अब देखिए कुछ एक और साइंटिस्ट हैं, जैसे SL मिलर हैं और हार्नोल्ड उरे हैं, उन्होंने क्या प्रूव करा, उन्होंने ये प्रूव करा कि जो एमिनो एसिड्स हैं दे कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द कंपाउंड्स प्रेजेंट इन द प्री हिस्टोरिक एटमोसफेयर। ठीक है, बट थ्रू एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो है, जो मिलर हैं, मिलर एंड उरे, ठीक है, दे प्रूव दैट एमिनो एसिड्स कैन बी
synthesized by the compounds present in the prehistoric atmosphere. Prehistoric atmosphere, right? लर्न एक्सपेरिमेंट किया एन मिलर एंड उरेज एक्सपेरिमेंट H2CH4 and NH3 ठीक है उन्होंने इन का मिक्सचर किया ठीक है अब एज अ रिजल्ट क्या करा जो इनकी मिक्सचर से जो रिजल्टेंट बना वो बना रेड लिक्विड इज फॉर्म्ड बाय इंट्रैक्शन ऑफ ये इन सारे मिक्सचर से H2CH4NH3 ठीक है इन सभी के इंट्रैक्शन से जो है वो एक रेड लिक्विड फॉर्म हुआ ठीक है दिस इज फॉर्म्ड ओके उसके बाद बाय रिएक्शन ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ द कंपाउंड्स ऑल द कंपाउंड्स द अबव कंपाउंड्स ठीक है उसके बाद क्या है कुछ अमीनो एसिड्स भी डिटेक्ट हुए इस रेड लिक्विड में ठीक है अ फ्यू अमीनो एसिड्स जो है ऑल्सो डिटेक्टेड इन रेड लिक्विड ठीक है अगर हम बात करें ऑपरेंट की तो ऑपरेंट के हिसाब से क्या था जो फर्स्ट लिविंग जो था इट वॉज अ प्रोटीन मॉलिक्यूल ठीक है अकॉर्डिंग टू ऑपरेंट फर्स्ट लिविंग बींग वॉज अ प्रोटीन मॉलिक्यूल ठीक है जिसको किस नाम से बुलाया जाता था नोन एज कोआसर्वीट्स COACERVATES कोआसर्वेट्स ठीक है ये एक पहला जो प्रोटीन मॉलिक्यूल बना था ठीक है राइट क्या अब देखिए कोर्पट्स जो कोआसर्वेट्स थे वो क्या थे ये कुछ सर्टेन कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड से थे इन द हॉट सी वाटर ठीक है जो एग्रीगेट हुआ इन द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ठीक है अब एक और थे साइंटिस्ट जो सिडनी फॉक्स जो है उन्होंने उनको कहा माइक्रोस्फीयर ठीक है सिडनी फॉक्स ने इनको कहा माइक्रोस्फीयर क्यों क्योंकि जो स्फीयर्स है दे हैड प्रॉपर्टीज लाइक द मेटाबॉलिज्म ग्रोथ एंड बडिंग ठीक है सिडनी फॉक्स कॉल्ड देम द दीज कोआसर्वेट्स कॉल्ड देम माइक्रोस्फीयर ठीक है व्हाई माइक्रोस्फीयर उन्होंने क्यों कहा बिकॉज दीज हैड प्रॉपर्टीज लाइक मेटाबॉलिज्म ग्रोथ एंड बडिंग ठीक है इनके अंदर ये प्रॉपर्टीज थी राइट अब देखिए जो एमिनो एसिड्स शुगर्स ग्लिसरॉल और जो फैटी एसिड्स थे उन्होंने क्या बनाया दे गिव राइज टू पॉलीमर्स जो कि क्या थे वो असेंबल्ड हुए इनटू स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स और उनको कहा गया था प्रोटोबायोन्ट्स प्रोटोबायोन्ट्स ठीक है तो प्रोटोबायोन्ट्स क्या है एमिनो एसिड्स शुगर्स
ग्लिसरॉल, ठीक है, एंड फैटी एसिड्स गेव राइज टू पॉलीमर्स, ठीक है. और उन्होंने क्या करा, विच, ये सारी देखिए assumptions हैं कि इस तरीके से हुआ होगा, which may had assembled into spherical structures, ठीक है, जिनको कहते हैं प्रोटोबायोंट्स, ठीक है. अब देखिए जो कोसर वेट्स जो थे उन्होंने दे स्टार्ट एब्जॉर्बिंग द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऑफ द ओशन एंड दे बिकम द एनारोबिक कीमोहेट्रोट्रॉफ्स, ठीक है, जो क्या होता है प्रोकैरियोट्स होते हैं. और जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो बना दैट वाज वायरस लाइक विद सिंपल स्ट्रक्चर, ठीक है. और जो देखिए अगर हम बात करें ओल्डेस्ट फॉसिल की तो वो है ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है. एंड द फर्स्ट ऑर्गेनिम टू गिव ऑफ ऑक्सीजन वर प्रोबेबली द साइनोबैक्टीरिया. सो द कोर बेसिड्स, द कोर सेरेट्स, दे स्टार्टेड एब्जॉर्बिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. They started absorbing the organic substances, ठीक है. और कहाँ से, ऑफ द ocean, ocean के अंदर जो भी organic substances थी क्वेसर वेट्स ने वो absorb करना start किया, ठीक है, and become anaerobic chemoheterotrophs, ठीक है, जो क्या थे प्रोकैरियोट. अब देखिए जो प्रोकैरियोट्स फॉर्म हुए हैं दे इवॉल्व्ड बिफोर द यूकैरियोट्स, द प्रोकैरियोट्स इवॉल्व्ड बिफोर द यूकैरियोट्स, राइट. जो फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स था, द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म वो वायरस विद सिंपल स्ट्रक्चर, राइट. और देखिए जो ओल्डेस्ट फॉसिल की बात करें तो इट इज द ब्लू ग्रीन एल्गी, द ओल्डेस्ट फॉसिल, सबसे पुराना फॉसिल जो है द ओल्डेस्ट फॉसिल, ठीक है. बिलोंग टू ब्लू ग्रीन एल्गी, राइट. अब देखिए जो पहला ऑर्गेनिज्म था टू गिव ऑफ ऑक्सीजन वर द साइनोबैक्टीरिया, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू गिव ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, वर मोस्ट प्रोबेबली द साइनोबैक्टीरिया, क्लियर, ठीक है. कुछ एक ऑर्गेनिजम्स थे, दी ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, दैट कैन ग्रो विद और विदाउट ऑक्सीजन गैस, जो जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती थी और वो नहीं भी यू नो दे कैन ग्रो विदाउट ऑक्सीजन, द ऑर्गेनिजम्स दैट कैन ग्रो विद और विदाउट ऑक्सीजन गैस, वो क्या थे, इन्हें हम कहते हैं
आर कॉल्ड द फैकल्टेटिव एनारोब्स और द फैकल्टेटिव एडोब्स. फैकल्टेटिव एनारोब्स और फैकल्टेटिव एडोब्स. ठीक है, देखिए जो ऑर्गेनिजम्स थे दैट आर पॉइजन बाय ऑक्सीजन गैस वो थे ऑब्लिगेट एनारोब्स, जैसे कोलेस्ट्राइडम है. ठीक है, और ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट ग्रो विदाउट ऑक्सीजन आर कॉल्ड दी ऑब्लिगेट एरोब्स. ठीक है, जिसमें जो है वो सभी प्लांट्स और एनिमल्स आ जाते हैं. राइट, तो अगर हम देखें लाइफ की बात करें कि अकॉर्डिंग टू द बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ, जो लाइफ है वो कैसे फॉर्म होती है, तो इट इज़ कंसिडर कि फ्री एटम्स होते हैं. ठीक है, फ्री एटम्स से बनते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. ठीक है, उन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से बनते हैं सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. ठीक है, और फिर बनते हैं प्रोटोबायोंट्स. ठीक है, फिर बनते हैं जो फर्स्ट सेल होते हैं, फर्स्ट सेल्स या प्रोटोबायोंट्स. ठीक है, प्रोटोबायोंट से देखिए जो है वो डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट होता है इनटू मोनेरा, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं. ठीक है, प्रोकैरियोट्स एंड द प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा जो कि यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट्स. ठीक है, यूकैरियोट्स से फिर प्लांट सेल एंड देन एनिमल सेल, प्लांट सेल एनिमल सेल्स. ठीक है, जो मेटाफाइटा और जो मेटाजोआ होता है, मेटा M-E-T-A, मेटा फाइटा एंड मेटाजोआ. ठीक है, तो ये कुछ यू नो एक फ्लो चार्ट दिखा रखा है कि जो ओरिजिन ऑफ लाइफ थी किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू दी बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है वो इस तरीके से स्टार्ट हुआ है. ठीक है,